हाय फ्रेंड्स, गाड़ी में एयर प्रेशर कम है इसलिए भारत पेट्रोल पंप के फ्री एयर पे खुद ही अपने आप एयर डालते हुए हवा डालते हुए ट्रिप टू भानगढ़ ऑन द वे टू चंदवाजी आफ्टर देन भान नेशनल हाईवे दिल्ली टू जयपुर। बहुत ही शानदार मौसम और हम लोगों ने लिया है बाईपास सबवे फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। ऑन द वे वी विल विजिट भानगढ़, भूतों का शहर भानगढ़। भानगढ़ से ठीक पहले एक गांव मोलकाबाद जो कि मूर्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जहां पे कि दुनिया भर में मूर्तियां भेजी जाती हैं। काफ़ी सारे मेरे दोस्तों ने यहां से जर्मनी की मूर्तियां खरीदी हैं। कहीं बताओ कहीं नाम सर मोहित खड़े हो जाए उनसे कहा गोला का बास को कता दिन वाटे काम करता गोला को बास को झरी गाँव जी को हाँ भाई रोकी कपड़े चेंज करते हुए चट्टी पहनते हुए एनर्जी जाए कौन सी एनर्जी सोडा चिकन जी अच्छी बनाएंगे एक नंबर। कतर भी जी कतर भी 20 रुपीज ओनली 20 रुपए की भाई तू जा तू जा तू अलवर को जा मन पे लीटर लावे जे नई गाड़ी नेरी ले जे सर बुधाई स्टोरी सुना क्या भैया रात को कभी कभी आवाज़ें आने लग जाती है ज़्यादा तो क्या इसके अंदर अब जंगली जानवरों का डर है नहीं ऐसे तो है इंसान से बड़ा कोई भूत नहीं है पर क्या है कभी कभी अमावस्या के दिन ऐसे आवाज़ें आने लग जाती है मेला वेला लग जाता है रात को इसको बंद कर दिया जाता है कितने बजे 6 बजे बंद हो जाता है कोई नहीं जाता है। आपका गाँव कौन सा गोलाकवास यहीं के है पास के यहाँ रहने वाले कभी देखा है कि भूत यहाँ हाँ आवाज़ें आती है हमारे दादा एक बड़े लोग हैं ना वो बताते हैं हमारी माँ वहाँ ये आपने सुनी है ऐसे हमने तो नहीं सुनी अभी तो बच्चे हैं हम लोग और आप क्या कह रहे हो जो बड़े होते हैं उन्हीं को आती क्या आवाज़ें हाँ ये क्या है बहुत पुराने से है बहुत साल हो गई है। अच्छा जो बड़े कौन होते हैं जिनकी शादी हो जाती है उनको नहीं हमारे दादा वादा ये इनको आती है हम तो बच्चे जानवर कौन कौन से हैं शेर लकड़ बग्घा लोमड़ी शेर लकड़ बगैर लौंग भी हाँ बहुत जानवर हाय फ्रेंड्स बसंत शर्मा। हम लोग पार्किंग में पहुंच चुके हैं इस पार्किंग में भानगढ़ की पार्किंग में थोड़ी देर पहले
यहाँ पे हम लोग, भाई नाम बताना था, रोहिताज सैनी, रोहिताज सैनी से मिले। रोहिताज सैनी ने हमें एक छोटी सी स्टोरी बताई कि यहाँ पे बड़े बुजुर्गों को भूतों की आवाज़ सुनाई देती है और साथ में सूरज अच्छे से यहाँ पे भूतों की आवाज़ सुनाई देती है। बड़े बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को ऐसा कुछ नहीं है। मीटो कम गिर जाए। ये भानगढ़ की टिकट विंडो है और ये टिकट की प्राइस है। आप यहाँ पे टिकट की प्राइस देख सकते हैं। देख मेरी बात सुन, भी पेट गंज हाल तो बेटे पोतों को दे, आपको लेके आ गए यहाँ तक, और क्या चाहिए? पकड़ के ले जाओ भैया, पकड़ के ले जाओ। आज हम भानगढ़ में हैं और यहाँ पे हमने देखा कि कोई बहुत ही रिच परिवार से आए होंगे जिन्होंने इसके अंदर कोई होटल का रैपर भी डाला हुआ है और माउंटेन ड्यू जो भी है उसकी बोतल यहाँ पे डाली है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे पे का पहली बात तो यूज़ नहीं करें, और यूज करें तो इनको सही सी जो जगह यहाँ पे निर्धारित है एसआई की या फिर जो भी कचरा डालने के लिए जगह है उसमें डालें, जिससे कम से कम प्रदूषण हो और हमारे आने वाली पीढ़ी हमें कोसे नहीं। और इस सहयोग के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे की जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे आगे लोगों को दिखा सकते हैं। धन्यवाद। आप अपनी बोतल और कचरे को, प्लास्टिक के कचरे को पर्टिकुलर डस्टबिन में डालने की कृपा करें। धन्यवाद। मुसलमानों को।